हाय पूजा, हाउ आर यू? हेलो आई एम ऑल्सो गुड. पूजा, आज मैं आपके साथ जो यहाँ बात करने बैठा हूँ, एक्चुअली क्या है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि न्यू कोर्स वालों के साथ भी बात की जाए, और आप न्यू कोर्स में हैं. पहले तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कर दूं कि पूजा कहाँ से बिलोंग करती है, कैसे उसने पढ़ाई की, फिर मैं आपको लेके चलूँगा. पूजा ही बताइए कितने मार्क्स आए. पूजा बेसिकली एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है जिसका नाम है भिलवाड़ा. वैसे तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जगह है, और टेक्सटाइल वगैरह का वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम है. फिर पूजा ने, क्योंकि उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे, तो पूजा ने SRCC ज्वाइन किया. फिर वहाँ से उसको EY से कॉल आई. EY से कॉल आने के बाद वो EY में उसने 2 साल आर्टिकलशिप की, और लास्ट ईयर आई बिलीव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की. हम एक बार को अभी समझ लेंगे पूजा से पूरी बात. और उसके बाद उसने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी की. लास्ट कुछ मंथ्स में छुट्टी ली, और आप जानते हैं कि शी इज़ हैविंग हाईएस्ट मार्क्स इन कॉस्टिंग. तो मेरे ख्याल से इन्होंने इंडिया में इतने अच्छे नंबर लाए हैं ये, और बहुत ही मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि मेरी एक स्टूडेंट इतने ज़्यादा नंबर लाई है. तो पूजा, पहले तो आप बताइए कि आपके कितने नंबर आए, और ये भी बताइएगा कि आपने किस किस तरीके से पढ़ाई वगैरह की. बिल्कुल सर। तो मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स कॉस्टिंग में ही आए हैं आपके सब्जेक्ट में। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। सो नाइस ऑफ यू. उसी की वजह से मैं हाईएस्ट ला पाई, विच इज 73। 73, ग्रेट, बहुत अच्छे. आपको पता है कॉस्टिंग में 60+ लाना मुश्किल होता है, खासकर न्यू कोर्स में. इस समय 60+ बहुत ही फ्यू स्टूडेंट्स के आए हैं. आपने इतने ज़्यादा नंबर लाए हैं. आपको पता है ऑल इंडिया रैंक वन के भी शायद 71 थे कॉस्टिंग में. सर, ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस। अरे नहीं, आप देखिए, टीचर सबको गाइड करता है, लेकिन ये स्टूडेंट के ऊपर होता है कि स्टूडेंट किस तरीके से ले. उसी टीचर का सबसे कम मार्क्स वाला भी स्टूडेंट होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला भी स्टूडेंट होता है. तो मैं इस पे और कमेंट नहीं लूँगा, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि हम दोनों इसी पे बात करते रह जाएंगे. मैं आपसे पूछूँगा कि आप जैसे एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं, और मैं एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं. पॉइंट ये होता है कि आप कितने अच्छे से किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, वही है. तो मेरे को आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ दीजिए कि आपने भिलवाड़ा से, जैसे आप 12th में थे तो कितने मार्क्स आए, SRCC वगैरह आपने क्यों ज्वाइन किया. फिर आप हमें बताइए कि आपने EY में किस फील्ड में आपने किया, और आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की किस में की. देन वी विल प्रोसीड कि आपको कैसे पढ़ना, आप गाइड करिएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए. कॉस्टिंग में इतने अच्छे नंबर आप कैसे लाए. यू आर वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन होल इंडिया, अक्रॉस इंडिया. तो और कॉस्टिंग में इतने मार्क्स बहुत बहुत मुश्किल है न्यू कोर्स में एज ऑफ नाउ. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ही कम आए हैं न्यू कोर्स में, तो कह सकते हैं फ्यूचर में बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे, बट अभी के हिसाब से आप प्लीज़ शुरू करिए आप अपने पूरे बैकग्राउंड से. ओके सो 12th के बाद जब मैं यहाँ से जब मेरे 12th का रिजल्ट आया, सो आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी एंड देन आई गॉट थ्रू SRCC। इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट और काफी अच्छा लगा था वहां जाके। अच्छा, भिलवाड़ा से टाउन से निकल के दिल्ली जाना वाज वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड चैलेंज एज वेल, अच्छा. बिकॉज काफी एनवायरमेंट काफी डिफरेंट होता है, बट इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ तो काफी इजी हो जाती है चीजें। दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाट आई डिड देयर आल्सो इन दिल्ली। तो 3 साल कॉलेज के काफी अच्छे निकले, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। उसके बाद EY का एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग था। मैंने EY के एडवाइजरी में आर्टिकलशिप की थी, विच इज ओके, वन ऑफ द रेयर डिपार्टमेंट जहाँ आर्टिकलशिप होती है। तो आपने ऑडिट में नहीं किया, नहीं, एडवाइजरी डिपार्टमेंट में किया था सर। उसमें क्या होता है बेसिकली? उसमें इट इज मोर ऑफ इंटरनल ऑडिट, IFC एंड अदर बिजनेस रिलेटेड थिंग, बिजनेस प्रोसेस ओवरव्यूज एक्सेट्रा। अच्छा, तो तो उसमें मैं आपको एक इंटरनली छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे. जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑडिट वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऑडिट, मतलब आपने जैसे एडवाइजरी वगैरह में गए आप, तो क्या डिफरेंस होता है ऑडिट और एडवाइजरी का? थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दीजिए फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से, कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से कौन सा बेटर है, क्या है, ताकि फ्यूचर में स्टूडेंट्स जब अप्लाई करें तो उसी हिसाब से अप्लाई कर पाएँ बिग फोर्स के अंदर.
फील सारी ही अच्छी है. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपका टैक्स में है ऑडिट में. आई वाज मोर इंटरेस्टेड इनटू कंसल्टेंसी फील, तो एडवाइजरी में कंसल्टेंसी ज्यादा होती है. बिजनेस प्रोसेस कैसे इंप्रूव करें, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, यही सब है ना. यस, तो उसमें पूरा हम लोग प्रोसेस स्टडी करते हैं एंड देन जहाँ पे भी लैक है, पॉइंट्स है, इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं एंड देन सजेस्ट द कंपनीज इंप्रूवमेंट्स. कितनी बार उनके प्रोसेसेस भी लिखते हैं सो दैट इट बिकम स्मूथ फॉर देम, स्मूथ फंक्शनिंग हो जाती है. इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग, वी वर्क एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली व्हाइल इन ऑडिटिंग वी वर्क फ्रॉम अदर देन मैनेजमेंट. ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप इसके बाद गए, आपने क्या इंटर्नशिप की, नहीं क्या किया था, इंटर्नशिप की थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं हम, हाँ. तो वो टेक्सटाइल सेक्टर में था, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया, थोड़ा बताइए. उसमें मैं जीएसटी बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में किया था. जीएसटी लॉन्च ही हुआ था सो इनटू रिटर्न फाइलिंग एंड एवरीथिंग एल्स रिलेटेड टू जीएसटी. ओके, ऑल रिकंसिलिएशंस, रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा. ओके, तो आपके हिसाब से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ आर्टिकलशिप ही करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल करनी चाहिए बिकॉज हमें दोनों साइड का एक्सपीरियंस मिलता है. व्हाइल एज अ डूइंग आर्टिकलशिप आप कंपनी में अदर पर्सन होते हो एंड इफ यू आर डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी, तो आपको इंटरनली कंपनी देखने का मौका मिलता है. ओके, सो यू आर सेइंग बेसिकली दैट इफ यू आर इन मींस यू आर एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी सो इट definitely helps you out in real life while you apply for jobs or it may apply because आपके seniors ने आपको suggest किया होगा शायद इसी तरीके से. ओके, अब आते हैं costing पे. आपके 73 marks आए हैं costing में, तो मुझे थोड़ा सा guide करिए कि क्योंकि कई students कहते हैं खासकर new course वाले कि भाई ये लड़की खाती क्या थी, ऐसा क्या खाती थी कि ये 73 लेके आ गई. देखिए SFM वगैरह में स्कोर करना इट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. SFM अच्छा सब्जेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा स्कोरिंग ज़्यादा है, बाकी सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है, बट जब बात करते हैं कॉस्टिंग की तो वहाँ थोड़ा सा स्कोर लो रहता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो आप प्लीज़ ये बताइए कि आप लोग क्या स्पेशल कोई डाइट थी, कैसा था कि आपके इतने अच्छे नंबर आए. सर बस यही था कि कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो जैसा आपने बताया था कि किस कहाँ पे वेटेज देनी चाहिए, क्या चीज ढंग से पढ़नी चाहिए, कहाँ ज्यादा अटकते हैं हम, उन चीजों पर ज्यादा मेहनत करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है स्कोर करना. इट ऑल डिपेंड्स कि हम फोकस कहाँ पे करना है. okay, और so आपकी फोकस्ड अप्रोच थी बेसिकली. यस सर. अच्छा, एक चीज मैं बीच में टोक के बोलूँगा, देखिए ये स्काइप इंटरव्यू है और स्काइप में क्या होता है, थोड़ा सा क्योंकि डिस्टेंस है, कई बार वॉइस हो सकता है ब्रेक करें, कई बार स्काइप जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो स्क्रीन में फ़ोटो की साइज़ कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं. हो सकता है कई बार आप बहुत ही पास से देखें पूजा को, कई बार थोड़ा दूर से देखें, तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है. तो आप लोगों से, सबसे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉपरेट करें इस रिगार्ड्स में. अच्छा पूजा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चन कॉस्टिंग को रिलेटेड पूछूंगा. सबसे पहले कि आप जैसे प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपने कितने मंथ की लीव्स ली थी, उन लीव्स में आपने कैसे प्रिपेयर किया था, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके, मैं क्वेश्चंस मैं बता दूं आपके एग्जामिनेशन पे आऊँगा कि आपने एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की थी, तो प्लीज़ लीव्स से बताइए कि आपने कितनी लीव्स ली थी. सर इट वॉज 4.5 मंथ्स, तो वो सफिशियंट टाइम था फॉर स्टडिंग एंड देन रिवाइजिंग ऑल्सो. ओके, इनिशियली एक बार सिलेबस कंप्लीट करके एंड देन रिविजन फॉलो. तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आई डिड 3 रिविजन एंड मेडिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आई डिड 2. ओके, तो आपने बेसिकली अच्छे से रिवाइज कर लिया इतने कम टाइम में जैसे आप बता रहे हैं मेरे को, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं बोथ ग्रुप करना बड़ा मुश्किल होता है, 3 मंथ्स के अंदर हम नहीं कर पाते क्योंकि कई अनफॉर्चुनेट रहे अभी, तो वो कहते हैं कि सर पता नहीं अब कैसे हम प्रिपेयर करेंगे इन 3 मंथ्स के अंदर आने वाले पेपर्स के लिए, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. सर वो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ प्लान प्रॉपरली एंड वी फॉलो दैट प्लान तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हमें लगता है. मुझे भी डेफिनेटली पहले डिफिकल्ट लगता था बट
आई स्टार्टेड डूइंग इट देन आई रियलाइज कि अगर प्लान के अकॉर्डिंग चलो, टाइम टेबल जिसे कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलो, तो चीजें काफी स्मूथली चली जाती है। देखो पूजा, बुरा ना मानना, लेकिन टाइम टेबल बनाना बड़ा आसान होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल। तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने कैसे फॉलो किया उस टाइम टेबल को। सर, रियलिस्टिक टाइम टेबल, अचीवेबल टाइम टेबल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड टाइम टेबल अगर होगा तो डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। वो मेरे साथ भी होता है, हुआ अच्छा। था इनफैक्ट स्टार्टिंग में। अच्छा, आप डिमोटिवेट भी हुए थे? बिल्कुल सर। अच्छा, तो कैसे कोप अप किया उसको? एक टारगेट था माइंड में कि नहीं, करना ही है, क्लियर करना ही है, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। अच्छा, नहीं तो आप जैसे डिमोटिवेट हुए तो आपने उसको कैसे कोप अप किया? सर, डिमोटिवेशन सबकी लाइफ में आता है। मैं भी होती थी तो मैं अपने फादर के पास जाती थी, वो मुझे हमेशा काफी मोटिवेट करते थे कि बेटा पास होना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना तुम्हारा लर्निंग है। इफ यू स्टडी प्रॉपरली एंड देन लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ फेथ। ओके, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को क्रेडिट ज़्यादा देंगे कि उन्होंने आपको सही टाइम पे गाइड किया, राइट गाइडेंस प्रोवाइड की। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, उन्होंने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया। नहीं, ये तो मैं मानूंगा कि पेरेंट्स का रोल बहुत होता है हमारी लाइफ में। और जब आप किसी तरीके से परेशान हो, देखो मेरी जो आदत थी मैं आपको बता दूं, जब मैं परेशान होता था ना तो मैं अपनी मदर की लैप में सर रख के लेट जाता था और विश्वास करो उस समय जो जन्नत का एहसास होता था बता नहीं सकता, सारी टेंशन खत्म हो जाती थी। तो शायद मेरी फीलिंग्स अभी पूजा समझ सकती है कि शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनके पेरेंट्स ने उनको गाइड किया, है ना। चलो yes, अब मेरे को पूजा आप ये बताइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कि आपका जैसे अब मैं एग्जामिनेशन डे पे आ रहा हूँ, प्रिपरेशन पे आ रहा हूँ, अब मैं टोटली कॉस्टिंग रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कॉस्टिंग आपने मेरे ख्याल से स्टडी बाय टेक ऐप पे ली थी, तो सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो आपको नहीं लगता जैसे ये टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे आप ऐप देख रहे हैं तो उस पर सोशल मीडिया भी है तो आप सोशल मीडिया पे स्विच कर जाते होंगे, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। सर, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट होना या नहीं होना वो सब हमारे पर डिपेंड करता है। अगर फोकस टारगेट होगा तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी, जैसे मेरे बंद थे, अगर वो बंद किए तो डिस्ट्रैक्शन का स्कोप ही नहीं है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन में ही बंद कर, लॉग आउट कर दिया था सिंपली, आप ये कह रहे हैं? सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद थे। अच्छा, मतलब आपने कहा कि मैं इस समय जैसे मोबाइल पे पढ़ रही हूँ और मोबाइल पे मैं देख रही हूँ क्लासेस स्मार्टफोन पे, तो मैं सिर्फ वही चीज लॉग इन रखूंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सारा लॉग आउट कर दिया, इसको मान लेते हैं, बाकी चीजें नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फोन होता था ऐसा मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, लॉग आउट भी सर वो डिलीटेड ही थे सारे ऐप। अच्छा, सारे ऐप ही हटा दिए थे कि झंझट ही ना रहे। हाँ, बेस्ट है। एक्सेप्ट यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था? आपने यूट्यूब बोला तो सर वो हेल्पफुल थी, वहाँ पे नेसेसरी वीडियोस आते थे काफी सारे टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए, आपके भी केस करने के वीडियोस आते थे। हाँ हाँ, तो वो रहता था। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक बात बताइए पूजा, आप मान के चलिए पेपर देने पहुंचे, अब लास्ट डे है, पेपर है, तो मैं जैसे आपके एग्जाम्स में देख रहा हूँ, रिजल्ट पे देख रहा हूँ, तो आपके 40 मार्क्स आए थे लॉ में और एकदम उसके बाद 73 मार्क्स आए आपके कॉस्टिंग में। तो मैं जिस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ ऐसे ही आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 72 मार्क्स थे, मतलब फर्स्ट पेपर में आपके 72 मार्क्स दोनों ग्रुप में, और लास्ट पेपर में आपका फर्स्ट ग्रुप का बहुत बुरा पेपर हुआ। तो आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि सर पेपर खराब हो गया, अब अगले की तैयारी करें कैसे, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आई? क्योंकि लॉ तो आपका एकदम पैथेटिक गया, 40 में आप पास हुए हो। सर हुई थी डेफिनेटली, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा थी और घर आके ऐसा मन कर रहा था कि नहीं अब पढ़ना ही नहीं है, अब देना ही नहीं है, जो होगा दे देंगे। बट देन माय मदर मेड मी रियलाइज्ड कि बेटा क्या अगला पेपर भी खराब करना है तुझे, ये तो गया, इसको तो हेल्प यू कैन नॉट हेल्प, बट नेक्स्ट तो आपके हाथ में ही है देना, उसको भी खराब करना भी आपके हाथ में है, सो डू यू वॉन्ट टू डू दैट? देन आई रियलाइज्ड कि नो, I should not do this. And then, फिर double motivation, double energy के साथ, I started studying for costing.
नहीं, फिर तो मैं आपके पेरेंट्स को फिर से और मतलब रेस्पेक्ट मेरी और बढ़ गई, क्योंकि मैं हकीकत में बहुत ही फर्म बिलीवर हूँ कि फैमिली हमारे को हमेशा गलत रास्ते पे जाने से रोकती है। और आप जो गलत गलती कर रही थी, ऐसी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं डीमोटिवेट होके पेपर के बीच में, और अगला पेपर ख़राब कर लेते हैं। चलो अच्छा किया आंटी ने जो आपको गलती नहीं करने दी। अब मुझे ये बताओ, जब पेपर देने गए कॉस्टिंग का, तो 15 मिनट्स जो आपको एग्ज़ाम से पहले मिले थे उसका क्या किया आपने? उसमें सर ये डिसाइड किया कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पूरे 3 घंटे के लिए। सॉल्व नहीं किया उसमें क्वेश्चंस को? सर सॉल्व करने से फिर वी कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा करना है, सारा टाइम उसी में निकल जाता है। एंड देन अच्छा, प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन होता है आगे के 3 घंटे खराब होते हैं कि कौन सा चूज कर लिया। सपोज एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया बट वो आता नहीं है, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। इसलिए 15 मिनट्स आर बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर सेलेक्टिंग कि विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट एंड विच नॉट टू ओके। एज पर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा कि हम सिर्फ सिलेक्ट करते हैं उस टाइम पीरियड में, बट मुझे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट दे ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन दोज 15 मिनट्स। सो या तो आप गलत हो या वो गलत हैं। सर गलत तो आई कैन नॉट से, बट एज पर मी एज व्हाट आई फेस्ड वाज, मैंने आईपीसी से मैं गलती की थी सॉल्व करने की, बट देन उसके बाद मैं फंस गई थी कि नेक्स्ट कौन सा अटेम्प्ट करूं, एंड देन माय टाइम गॉट वेस्टेड वहां पे बहुत ज्यादा, और 15 मिनट्स में ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाता है। सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ आपके अंदर एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है, वो है कि आप अपनी गलती से इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप को, अपनी पास्ट गलतियों को ध्यान में रखते हुए। आई ट्राई टू सर। बहुत अच्छी हैबिट है ये बेटा, कभी ये हैबिट मत छोड़ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने ये 15 मिनट्स की बात की, तो आपको देखो 15 मिनट्स, फ्यू पीपल थिंक दैट दीज 15 मिनट्स आर नॉट एनफ टाइम टू एनालाइज विच क्वेश्चन वी आर सपोज टू डू एंड विच क्वेश्चन वी आर सपोज टू लीव। सो प्लीज़ गाइड मी, हाउ डू यू रिफाइन कि कौन से, मतलब इतनी जल्दी आप पढ़ते कैसे थे? क्या आप फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ते थे? कैसे पता चलता था कि बेसिकली दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी डन एंड दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी लेफ्ट? बिल्कुल सर, जो आपने अप्रोच बताई थी पढ़ाते वक्त कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ लो एंड देन क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो पढ़ लो, डेटा अच्छा उस टाइम पढ़ने से, बिकॉज डेटा पे इतना डिपेंड नहीं करता कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, डिमांड पे डिपेंड करता है। तो उससे समझ आ जाता था कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट याद है बिल्कुल एकदम परफेक्टली याद है, तो उससे समझ आ जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए ये चीज़ मैं पॉइंट फिर से करूँगा, देखिए पूजा ने क्या किया था, सब लोग ध्यान देना, उसने बात सुनी थी, सबको मैं ये बात बोलता हूँ लेकिन पूजा ने बात ध्यान रखी कि क्वेश्चन की शुरुआत की लाइंस पढ़ लीजिए, एंड की लाइंस पढ़ लीजिए, रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिए, बस। बीच के डेटा को पढ़ने में आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होगे और कुछ नहीं। आप सिर्फ ये समझिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन और नॉट, बस। डेटा को इंटरप्रेट हम बाद में भी कर सकते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप जैसे पढ़ाई के टाइम पे, जैसे एग्जाम्स डेज में कितने आवर्स सोते थे? सर 7 to 8 hours। 7 to 8 hours एनफ होते हैं? हाँ सर। अच्छा, और पकौड़े तला भुना या ये सब भी खाते थे या सिर्फ हेल्थी फूड खाते थे ताकि ऑक्सीजन रहे दिमाग के अंदर? सर हेल्दी फूड ही ज्यादा प्रेफर करते थे, बट अपने आप को पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज डिमोटिवेशन हो जाती है पढ़ाई के लिए। तो कुछ कुछ मोटिवेशन के लिए बीच बीच में नेसेसरी होता है वो लेना चाहिए, बट मेजरली हेल्दी लाइफ पे रहना चाहिए। हाँ, ताकि ऑक्सीजन रहे माइंड के अंदर, और पकोड़े वगैरह जो है नींद ज़्यादा दिलाते हैं मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा फील आता है ना? तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना पराठे खाने वाले खासकर, वो थोड़े सुधर जाओ। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि आप जैसे रिवाइज करते थे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आपने लास्ट डे भी रिवाइज़ किया या लास्ट 5 6 मंथ्स में जो रिवाइज़ किया आपने, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपने कैसे रिवाइज किया उसको? क्या जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था उस सीक्वेंस में रिवाइज किया, या आपने कुछ डिफरेंट सीक्वेंस रखा था? सर जो फर्स्ट रिवीजन था वो तो जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ाया था उसी सीक्वेंस में रिवाइज किया था, एंड देन उसके बाद जो आपने वेटेज बताया था दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, मोर वेटेज उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी सो दैट आई कैन स्कोर मोर एंड मोर। नहीं, बहुत ही अच्छी अप्रोच रखी है आपने। देखिए आप ये चीज़ भी बड़े ध्यान दीजिए पूजा की,
उसने पहले क्या किया, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया था उससे पढ़ा, ताकि उसको पूरा रिकॉल हो गया कि आफ्टरऑल टीचर ने पढ़ाया क्या था। अब जब सारी चीज़ उसके दिमाग में आ गई, पूजा के दिमाग में, सो व्हाट शी डिड वाज शी एनालाइज्ड कि सर ने ये बताया था दैट दीज टॉपिक्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज दीज टॉपिक्स बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज़्यादा रखते हैं, पेपर में नंबर इसके ज़्यादा है, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपने कुछ ऐसी अप्रोच रखी थी कि किसी तरह मैं पहले शुरुआत में कुछ जल्दी मार्क्स ले लूँ, या आप सबको इक्वल लेते थे, कि मतलब आप, मेरा कहने का पर्पस ये है कि आप कुछ ऐसा अप्रोच रखते थे कि किसी तरह एक बार पास हो जाऊँ फिर आगे बाकी के बारे में सोचूंगा सोचूंगी, या फिर आपने सोचा कि जैसे है पेपर वैसे ही कर लूँ। सर वही 15 मिनट्स में वही डिसाइड करते थे कि पहले कौन से क्वेश्चंस एकदम अच्छे से आते हैं, बिकॉज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अटेम्प्ट करना तुक्के मारने से पहले। ओके, अच्छा, तो आपने थ्योरी पहले की थी या न्यूमेरिकल? सर मेरी अप्रोच यही थी कि न्यूमेरिकल्स पहले करें, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में बाद में जल्दी में नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है, बट स्टिल जिसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका ज्यादा है कि अच्छे से लिख सकते हैं, उनको थ्योरी पहले अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहिए। ओके, सो देखिए ध्यान से सुनिए, पूजा क्या कह रही है, एंड में थ्योरी में क्या होता है, हम थ्योरी में गड़बड़ कम करते हैं जनरली, हमें मालूम है ना कि ये इसका यही है, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमारी एक फिगर बिगड़ गई तो पूरा क्वेश्चन खत्म आ गया। तो व्हाट शी सेइंग कि आप न्यूमेरिकल में एंड में मत करिए क्योंकि प्रेशर आ सकता है, और उसने उसने इसका अल्टरनेटिव भी बताया कि आपकी चॉइस है, इट्स नॉट लाइक कि कंपल्सरीली आप उसी की अप्रोच फॉलो करें, बिकॉज मेनी अदर स्टूडेंट्स फॉलो कि उनका अच्छे मार्क्स उनके आते हैं थ्योरी में या सब्जेक्टिविटी में, तो वो पहले सब्जेक्टिव टॉपिक्स करते हैं, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। अच्छा, मैं अब लास्ट दो तीन क्वेश्चंस पूछ के आपको थैंक यू कहूँगा। पूजा, मेरे को जैसे आप एक बात बताइए, आप लास्ट में जैसे रिवीजन करते थे तो आपने कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट उठाया या कई सब्जेक्ट्स एक साथ उठाए थे? सर मिक्स उठाया था थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, जिससे कि बैलेंस बना रहे बिटवीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अच्छा, बस मिक्स था, मतलब एक सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल, कुछ इस तरीके से उठाया था? यस सर, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल और दो न्यूमेरिकल वन थ्योरेटिकल। ओके, ताकि बोरियत भी ना आए, बोर्डम ना। हाँ, ओके। तो आप घर पे पढ़ते थे या कहीं लाइब्रेरी वगैरह पे गए थे, रीडिंग रूम वगैरह पे गए थे? नहीं सर, घर पे ही पढ़ती थी मैं। अच्छा, घर पे ही पढ़े आप पूरी तरीके से, लेकिन कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि रीडिंग रूम वगैरह पे जाके पढ़ना चाहिए, क्या वो सही कहते हैं? सर इट डिपेंड्स कि घर पे कितना शांति वाला माहौल मिल रहा है उन्हें। अगर घर पे काफी पीसफुल माहौल है तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि घर पे पढ़े। स्टिल जहाँ पे खुद को कंफर्टेबल होता है, जहाँ पे खुद को कॉन्फिडेंस आए, उसी जगह पे पढ़ना चाहिए। नहीं, ये बात बहुत अच्छी है कि कईयों को क्योंकि पसंद लाइब्रेरी होती है तो वो पढ़े, ये नहीं कि होड़ में पढ़े कि लाइब्रेरी में जाके, पर्टिकुलरली ये देखें कि कहाँ पे उनकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बेस्ट होगी, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। ओके, अच्छा, एक लास्ट चीज मुझे ये बताइए, कॉस्टिंग से रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि कॉस्टिंग का पेपर ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो आपका कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ था? सर इस बार थैंकफुली न्यू सिलेबस में इतना बड़ा पेपर नहीं था, तो आई अटेम्प्टेड द फुल होल पेपर। अच्छा, आपका 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था? यस सर। अच्छा, फिर तो बहुत गलती करके आए हो आप। सर थ्योरेटिकल नहीं, सही है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ना, इतना मत सोचिए आप, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि जानबूझ के तंग कर रहा था। आप 73 ले आए, और कितने चाहिए आपको? अच्छा, एक दो बातें और बताइए, आपको नहीं लगता कि जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप कम क्लासेस लेते हैं, अराउंड 60 क्लास लेते हैं, 60-65 क्लासेस लेते हैं, आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने सुना है ज़्यादा क्लासेस सही रहती हैं, तो आप मेरे लिए नहीं बोलिएगा, रेदर आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहता है, ज़्यादा क्लासेस या कम क्लासेस, एक जनरल व्यू के हिसाब से बताइए। एक जैसे आप EY के बाकी स्टूडेंट्स का भी सुनती होंगी, तो आपके हिसाब से क्या व्यू रहता है, ज़्यादा क्लासेस बेटर रहती हैं या कम? सर हर CA स्टूडेंट के लिए टाइम एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होता है, तो ज्यादा और कम क्लासेस से उतना फर्क नहीं पड़ता, उतना क्वालिटी से पड़ता है कि
मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सकता है हमें, सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलता है, और सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्लासेस से भी नहीं होता है. सो आई थिंक आपकी क्लासेस वर मोर देन सफिशिएंट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए, और क्वेश्चन आप करवाते ही थे, एंड रेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज ऑन अस, बिल्कुल, कि हम कैसे कितनी प्रैक्टिस करते हैं. चलो, सो नाइस ऑफ यू पूजा. अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहिए अपने जूनियर्स के लिए, ताकि उनके दिल में जो फ्रेट है अपने सब्जेक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड वो दूर हो सके, और वो जो घबराते हैं कि यार ये कॉस्टिंग एक हुआ सा आ गया, इट्स काइंड ऑफ गोस्ट फॉर देम, मतलब जिससे वो डरते हैं, तो कुछ ऐसा आप जो लास्ट में कहना चाहेंगे जिससे वो उनके अंदर का डर खत्म हो सके और वो थोड़ा सा इंस्पायर हो सके, प्लीज ऐसे कुछ वर्ड्स बोलिए. गाइस, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें. कॉस्टिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि चाहिए क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, देन यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन. ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया सो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस. इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, उतना ज्यादा आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, एंड आप उतना ही बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में. चलिए पूजा, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. मैं आपसे भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत तरक्की करो, बहुत अच्छे लेवल पे जाओ, और फ्यूचर में हम लोगों को डेफिनेटली मिलने का मौका मिले. और जब मैं मिलूं आपसे तो आप बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हो, ये मेरी भगवान से दुआ रहेगी. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम. विद दिस लेट्स से बाय बाय.